कोयला खनन दुनिया के सबसे टफेस्ट जॉब में माना जाता है। नेचर के अगेंस्ट में काम करने का खामियाजा देश के हित में कई बार कोल इंडियंस को चुकाना पड़ा है। दोस्तों नमस्कार, ऐसी ही एक दुर्घटना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप या मेरी तरह कुछ लोग एक ठंड की सुबह में ड्यूटी जाते हैं, शिफ्ट लगभग खत्म होने वाली होती है, लेकिन वो शिफ्ट उनके जीवन की आखिरी शिफ्ट बन जाती है। ये बात को आज 30 साल हो गए। कोई मेनस्ट्रीम मीडिया उनको याद आज भले ही ना करे, पर आज हम सब उन शहीदों को याद करेंगे और जानेंगे आखिर उस दिन क्या हुआ था। 25 जनवरी 1994 को दोपहर के करीब 3:30 बजे न्यू केंद्र 2 नंबर पीट के दोबरा नसीम में आग लग गई। ये आग इंटेक के डाउन का शाफ्ट के पास लगी थी। 55 लोगों की जान धुआं, आग और जहरीली हवा ने ले ली। ये पिछले सदी की कोल इंडिया के इतिहास में आग के कारण सबसे बड़ी त्रासदी थी। चलिए जानते हैं न्यू केंद्र पीट के वर्किंग के बारे में। यहां मुख्यतः 2 सिम में काम होता था, एक केंद्र सिम और दूसरा डोबराना सिम। ऊपर के सिम जो केंद्र सिम था वहां 1907 साल के आसपास डेवलपिंग का काम शुरू हुआ था। केंद्र सिम के 55 मीटर नीचे डोबराना सिम जहां 1962 यानी 1962 साल से काम शुरू हुआ था 2 नंबर और 3 नंबर पीट के माध्यम से। 20 साल से डिप्लेरिंग विद केबिंग मेथड से काम तो वहां हो रहा था, पर आग की घटना कभी भी नहीं हुआ था। पर ऊपर में जो केंद्र सिम थी वहां आगे भी हीटिंग और फायर की इंसिडेंट देखा गया था। अब आते हैं 25 जनवरी की उस दोपहर पर। जीरो वेस्ट लेवल में 25 जनवरी 1994 को जो आग लगा वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के चलते रूप कोल को गर्म कर चुकी थी। रोडवे में भारी मात्रा में हवा होने के चलते धुआं, स्मेल, सीओ और हीटिंग की मात्रा बढ़ जाती है। यह माना गया कि गर्म और जलंत कोयला रूप से गिरी जो हवा में और एक्सपोज हो गया, जिसके चलते आग और धुआं बहुत ज्यादा ही फैल गया। हालांकि ये एक बिजी एरिया था, पर ये जब हुआ वहां पे तब कोई नहीं था। जो ये आग को शुरू में ही बुझा देता या पीट टॉप तक इसकी जानकारी दे देता। पानी भी उस जगह उपलब्ध नहीं थी। मेन सैंप के पंप भी केबल फॉल्ट के चलते बंद पड़ी थी। कुछ देर बाद जब कुछ माइनर्स जो पीट बॉटम में थे वो ऊपर आते हैं और नीचे लगे फायर की जानकारी देते हैं, तुरंत बचाव कार्य शुरू हो जाती है। रेस्क्यू 10% भी मौके पे पहुंच जाते हैं। ईसीएल मैनेजमेंट इलाका सील कर देती है और बचाव कार्य में जुट जाते हैं। पर आग इतनी भीषण थी, धुआं इतना भीषण था कि रेस्क्यू 10% भी धुआं और आग के आर पार देख नहीं पा रहे थे। लिक्विड नाइट्रोजन बोरहोल के थ्रू डाल के आग को बाद में बुझाया गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। धुआं, गर्मी और जहरीली गैस सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड से सभी ट्रैप 55 माइनर्स अपना जान गवा बैठे। करीब 1.5 साल बाद जब माइंस में आग पूरी तरह से बुझ गई थी तब माइंस रीओपन हुआ, पर ज्यादा दिन तक वर्किंग नहीं हो पाया। अब जानते हैं जांच में क्या पता चला। शुरुआती जांच में 3 मुख्य कारण आग लगने की बताई जा रही थी। एक शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अंडरग्राउंड सबस्टेशन में बर्स्ट हो जाना। पर जब माइंस खोला गया, सबसे पहले एक्सपर्ट सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जांच की, पर सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को सही हालत में पाया गया और कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट या बर्स्ट की सबूत नहीं मिले। दूसरा कारण, राइट साइड गोप जो 8 नंबर आइसोलेशन स्टॉपिंग के वहां आग की सोर्स। जब रेस्क्यू टीम 7 नंबर स्टॉपिंग तोड़ के घुसे तब वहां फायर का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इनफैक्ट वहां पड़े हुए वुड में भी बर्निंग का कोई साइन नहीं था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 3rd रीजन पर, कोयले की स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो फिर क्या स्पॉन्टेनियस हीटिंग ही मेन कारण था? जांच में पता चला 2800 क्यूबिक मीटर की इंटेक एयर जो कूलिंग इफेक्ट देती थी, इससे करीब 25 मीटर कोल टॉप में जीरो वेस्ट लेवल में ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग शुरू हुई, जो इंटेक एयर के कूलिंग इफेक्ट के कारण नीचे ना आके वेस्ट और नॉर्थ में अंदर ही अंदर बहुत दूर तक फैल चुकी थी।
रूप पर कोयले की सामान्य आग की तुलना में आग की क्षतिज फैलाव कहीं अधिक था। इस बड़े क्षतिज फैलाव के नीचे लटकती हुई डेड सेल और कोयले के लिए बेड सेपरेशन के रूप में काम किया और ऊपर से डेड सेल का वजन भी जुड़ गया। इससे पहले कि आग ऊपर की तरफ जाती, दोपहर 3:30 बजे छद यानी रूप ढह गया और आग के संपर्क में हवा आ गए और आग तेजी से फैल गया। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदे, जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए। 25 जनवरी 1994, आज 30 साल पहले ऐसा ही कोई एक दोपहर रहा होगा जहाँ पे ये 2 नंबर पे न्यू कंडक्टर गिरी अभी वीरान है, कुछ नहीं आप देख पा रहे होंगे, कभी ये पीट हुआ करता था। 25 जनवरी 1994 को दोपहर के 3:30 बजे यहाँ पे एक भीषण आग लगी। इस आग में करीब 55 आदमी, 55 कोल इंडियंस, 55 कोल वर्कर अपना जान गंवा चुके। हम लोग एक चीज का आज खुलासा करेंगे। 30 साल हो चुका एक कहानी जो सुनेंगे यहीं के लोकल आदमी से, यहाँ के कोल वर्कर से, और क्या हुआ था उस दिन या फिर उसके बाद यहाँ का जिंदगी कैसे बदल गया। चलिए, जो 2 नंबर पीट में आग लगा था आज हम वहीं पहुँच चुके हैं, न्यू केंद्र कुलेरी केंद्र एरिया के अंदर, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शिवाजी दा से। यहाँ के लोकल शिवाजी दा इसी रास्ते से हम लोग को मिल गए। शिवाजी दा, आपका परिचय, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवाजी पासवान है। शिवाजी पासवान, आप कहाँ रहते हैं? हम लोग यही 3 नंबर में ही रहते हैं। ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है और पीछे जो वीरान इलाका दिख रहा है, ये पहले 2 नंबर पीट हुआ करता था? 2 नंबर पीट था। आप देखे हैं? हम देखे हैं। अच्छा, जिस 25 जनवरी 1994 में यहाँ पे जो भयानक हादसा हुआ था वो आपने आँख से देखे? हम अपने आँख से देखे हैं। थोड़ा उस दिन का कहानी बताइए। उस दिन करीबन धर लीजिए आपको 3 से 3:30 का काटा का दिन है। हम लोग यहीं बैठे हुए थे, चाणक्य के पास में हम लोग का घर सामने था। अच्छा, बैठे हुए हैं तो उधर का हमको लोगों बड़ा फैन है जो खदान का हवा टांगता है। अच्छा, तो हम लोग बैठे देखते हुए, बहुत सा लड़का था हम लोग, जोड़ी का लड़का था, तो देखे हम लोग बोले कि देखो ना बहुत काला काला धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा था? हाँ, पूरा धुआं निकल रहा था। तो वही हम लोग बोले चलो देखते हैं। देखने के बाद देखते हैं चाणक्य के पास पे एक वर्कर तोड़ते हुए आया और बोल रहा था। अच्छा, कि हम बोले उनको कि चाचा क्या हुआ क्या हुआ, बाबू बहुत आग लग गया है खदान के नीचे, टोटल का टोटल 55 आदमी फंस गया है। फंस गया है, जो सुनने में मिला था कि कुछ आदमी जो खदान के पास था वो 13 कुछ आदमी निकल भी गए थे। हाँ, कुछ आदमी निकला था। अच्छा, कुछ निकल, ये जो 55 आदमी का देहांत हुआ उस दिन, मतलब उसमें तो आप किसी को जानते हैं पर्सनली? जानते थे किसी को पर्सनली? बोले तो सिर्फ एक ही, मतलब आपको अमृत बावरी को ही हम लोग जानते थे। अच्छा, हम लोग को घर का बगल का ही था। अच्छा, तो उसी खास तौर के लिए उन्हीं को हम बहुत अच्छा तरह से जानते थे, बाकी वर्कर को सबको चिनते तो उतना नाम नहीं जानते थे। उस समय का उम्र हम लोग को 12 से 15 साल था, लेकिन फिर भी याद है आपको? हाँ, याद 15 साल में सबको याद रहेगा। ये जो मतलब जिस दिन घटना घटा उसका तो 2 दिन तक 36 घंटा लग गया था वो सब ऊपर तक लाने के लिए। मतलब आपको अगर रेस्क्यू टीम आया था, बहुत कोशिश किया, इतना ही धुआं था कि जो लोग
भी बर्दाश्त नहीं करने सक रहा। अच्छा, ये मतलब जब एक्सीडेंट हुआ उसके कितना देर बाद रेस्क्यू टीम आया था? तत्काल धर लीजिए ना, आपको 2 घंटा के अंदर ही आ गया रहा साहब। बहुत बहुत ऐसे एक से एक गाड़ी आ गया रहा, एक से एक गाड़ी आ गया। चलिए चलते चलते हम लोग थोड़ा 3 नंबर पीट भी घूम लेते हैं। 2 नंबर से चलते चलते हम लोग, ये पीट नंबर 3 है, ये देखिए यहाँ खड्डा है क्योंकि ये धस गया है। इसके चलते हम लोग वो पार तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसी पार से हम लोग आपको दिखाएंगे कि ये 3 नंबर पीट और 2 नंबर पीट की क्या कहानी। क्योंकि जहाँ धुआं लगा था, जहाँ आग लगा था, जहाँ से धुआं निकला था, ये दोनों पीट से निकला था। ये दोनों पीट के बीच में कहीं पे एक 0 लेवल था, जो डोबराना सिम, केंद्रा सिम ऊपर चलता था और डोबराना सिम था नीचे। डोबराना सिम में ही ये आग लगा था। और ये 3 नंबर पीट है, आप देख सकते हैं गड्ढा किया हुआ। गड्ढा करने के चलते हम लोग वो पार नहीं जा सकते, इसलिए आपको दिखा नहीं सकते। और 2 नंबर पीट जो दिखाया, 2 नंबर पीट में अभी जो आप देख ही रहे हैं, उसको ढाक दिया गया, उसको सील कर दिया गया। और आसपास में जहाँ कभी हजारों आदमी काम करते थे, आज वो खंडर है, खंडर इलाका बन चुका है। सिर्फ यहाँ के लोकल ही जानते होंगे कि उस टाइम में जो चहल पहल कितना था, कैसे आदमी रहते थे, क्या करते थे। तो शिवाजी दा को तो हम लोग अभी तक छोड़े नहीं, थोड़ा को एकदम बर्बाद कर देता है। सही बात बोला, मतलब ऐसा ही गेस हो गया रहा कि आपको मान के चलो जो वर्कर था जो भागा हुआ था, सब अपना मुंह एकदम पूरा नीचे रगड़ रहा था बचने के लिए, बचने के लिए। बहुत खतरनाक गैस था, जब सब आया, सब आया, सब आदमी, सब बहुत सारे, सब लेके उठा है अपने वहाँ, सब जिसका जिसका मतलब आपका आपका कर लीजिए, किसी का बेटा रहता था, किसी का वाइफ है, किसी का माँ है, किसी का बेटी है, सब उसी सब को अपना अपना सबको दिया गया है, दिया गया स्पेशल वर्कर बहुत। अच्छा, उसके बाद सभी का नौकरी भी हुआ होगा, परिवार सब कुछ हुआ, सिलवार का सब कुछ हुआ। ये आते वक्त आप कह रहे थे कि जब ये आग लगा था, जब ये हादसा हुआ था, तब खड़े खड़े जीएम साहब बहुत आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो नौकरी वोकरी जो भी था बहुत। अच्छा, धुआं भी चारों ओर फैल गया होगा? धुआं नहीं फैला हुआ था, हम लोग तो सब वर्कर, सब जितना बहुत सा मतलब आपको इंसान यहीं पड़ता था, हम लोग का जितना, हम लोग 3 नंबर का जगह का सब यहीं पर था। आपका आपका घर इस एकदम सामने में, सामने में ही है, तो ये धुआं वहां तक नहीं गया था? नहीं, धुआं कहां है, ये आपको मान के यहां तो फैन बहुत बड़ा फैन था, हवा से ही मारता था। हाँ, वो फैन से हवा निकल जाता था, खतरनाक हवा। शिवाजी जी से हम लोग बात किए और वो उस दिन का कहानी बताए। और भी कहानी जानने के लिए हम लोग और भी आदमियों से भेंट करेंगे। अभी तक के लिए शिवाजी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कभी न्यू केंद्रा का ऑफिस हुआ करता था, जहाँ पे चहल पहल हुआ करता था 30 साल पहले, जहाँ कभी आदमी अपना समस्या लेके आते थे, आज वो खंडर बन चुका है। एक माइंस बंद होने के बाद अब अगर चारों तरफ नजारा हम दिखा पाए तो आप देखिएगा कि ये पूरा खंडर बन चुका है। जहाँ कभी चहल पहल हुआ करता था, आदमी अपना समस्या लेके आते थे, ये चारों ओर अब कुछ नहीं रहा, कुछ बचा नहीं। तो आज का ये कारण है कि 30 साल की पुराना कहानी हम लोग क्यों फिर खंगालने गए। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले एक मूवी आई मिशन रानीगंज, जिसमें दिखाया गया जसवंत गिल साहब कितने आदमी को खदान से ऊपर लेके आए, बचा लिए उनको। लेकिन अभी हम लोग के साथ है उमा शंकर दुबे जी। दुबे जी, आपका जब ज्वाइनिंग हुआ 91 में, तब से तो आप ये न्यू केंद्रा में रहते थे? न्यू केंद्रा में रहते थे। हाँ। और हमारे सामने का एक घटना है, यहाँ जब हम देखे डेड बॉडी उठाता था तो आदमी का मांस जो है वो जैसे सीज गया था। हाथ में आ जाता था मांस। हाँ, क्योंकि वहाँ पे आग, हाँ, इतना गैस फैल चुका था, गर्म हो गया था, गर्म से आदमी का मांस भी जैसे बॉयल हो गया था आदमी, उस टाइप से यहाँ हो गया था घटना। और यहाँ कोशिश किया, लेकिन कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोशिश किया गया था, आप लोग देखे थे, कोशिश किया गया, लेकिन कोशिश इतना भयंकर आग था कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये आग लगने का कारण कुछ पता है आपको? यहाँ लोग बोले कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण हुआ था, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, इलेक्ट्रिक फॉल्ट में कहीं पे शॉर्ट सर्किट होने से आग लगा था। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद हम लोग और भी जितने भी सर्वाइवर हो, या फिर जो उस शिप में काम करते हैं, या फिर वो जिनका परिजन का देहांत हो गया, उनसे भी चर्चा करेंगे। चलिए, हम लोग को और लोकल रेसिडेंट यहाँ पे एक
मिल गए हैं अच्छे लाल यादव, जो यहीं के लोकल रेसिडेंट है, और जब 94 में ये घटना घटा था वो अपने आंख से देखे थे। अच्छे लाल जी, उस दिन क्या घटा था एक्चुअली? वो दिन 2-3 बजे का समय होगा और धुआं उठना स्टार्ट हो गया, सब आदमी भागना स्टार्ट हो गया यहाँ से, और फिर बाद में पता चला कि नीचे में कुछ हुआ है, ब्लास्ट वलास्ट, उसके चलते कुछ लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, तो उनको निकालने का व्यवस्था स्टार्ट किया गया। तो ये कहा जाता है कि उस दिन आग लगा न्यूगंडा 2 नंबर पिट पर जी, ये आपको पता है कि क्यों आग लगा था? इसका कारण दो आदमी दो कर मैंने कुछ आदमी कुछ किस्म बता रहे थे, कुछ आदमी कुछ किस्म बता रहे थे। जैसे क्या बता, कोई बता तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, कोई बोलता आज ये गैस हो गया था। अच्छा, ये दो चीज नहीं, गैस तो हुआ था, ये तो बाद में पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना था आग के चलते, उसके बाद आदमी सब जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाया कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते देहांत हो गया। तो आप लोग जब आए यहाँ पे पहली बार, चूंकि आग लगा है देखने चलो, तो क्या देखे थे पहली बार? प्रशासन अपना पूरा व्यवस्था में लगा हुआ था, घेरा दिए हुए थे, सारा आदमी अपना काम कर रहे थे, निकालने का व्यवस्था किया जा रहा था, किस तरह उन लोगों को बाहर निकाला जाए, बचाया जाए, इसी व्यवस्था में पूरा प्रशासन लगा हुआ। उनको कितना घंटे बाद बचाया गया? ये बचाया तो नहीं जा सकता, कोई बचाया नहीं है सर। तो उनको कितने देर बाद सब निकाल पाए थे? 100 तो सर वो कम से कम तो 3 दिन के बाद से निकालना चालू हुआ। आप किसी को जानते थे पर्सनली जो उस दिन उनका? उसमें सर देखिए, हम काम तो कोल डोमेस्टिक कोल में थे, सारा आदमी को ही जानते थे, 55 आदमी को ही जानते। ऐसा 55 आदमी से किसी का कोई कहानी जुड़ा हुआ है जो अभी भी आपको याद आता होगा 30 साल बाद? कहानी का मैंने जो मरे वो साधारण आदमी थे, अमल अहिर जो मेरे गांव के थे। अच्छा, अमल अहिर जी, अमल अहिर ये इनके साथ आपका रिश्ता ही था एक तरह से। और ये जब इनका जाने के बाद या फिर यहाँ पे आग लगने के बाद जो ये सब एकदम खंडर बन चुका है जी, जो पहले कभी चहल पहल रहता था यहाँ पे, ये तो अभी खंडर बन चुका जी। है ये, आप लोग आते हैं पुराना जगह देखते तो कैसे महसूस होता है? महसूस तो सर बहुत तकलीफ होता है, देखते बहुत तकलीफ होता है। ये तो मैंने ये तो स्पेशल का मैंने हीरा जगह था और आज भी है ये, यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये तो पिट था ही जी। इसके अलावा कोई पुराना पिट था? सर पुराना पिट तो 8 नंबर बना, नया ही बना है। अच्छा, अभी बना है? वो नया बना था, उस समय चालू था। वो भी बंद है? वो भी बंद। मतलब यहाँ पे जितना भी पिट था न्यूकंदा में अभी सब बंद, सब बंद, कोई पिट चालू नहीं। और ये क्या आग तभी बुझा दिया गया था, अंदर अभी भी आग है कुछ पता है सर? उस समय आग न्यूट्रल जो था, क्या न्यूट्रल गैस दिया गया था, उससे तो बंद हो गया था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। बहुत लोगों से हम लोग मिले, बहुत लोग जो देखे थे सामने, बहुत लोग जिनका परिवार का कोई ना कोई चले गए इस इंसिडेंट के दौरान, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति से हम लोग अभी मिल रहे हैं जो पहले थे, जो अंडरग्राउंड में देखे थे क्या हुआ था। वो एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन थे, अनूप बनर्जी, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। अनूप दा नमस्कार। नमस्कार, क्या हुआ था उस दिन? 3 बजे ठीक, सेकंड हाफ 3 बजे हमारा, हम तो हरिपुर में था तब, तो हमारे पास खबर आया है कि उसी टाइम पर रेजिंग चल रहा था। अच्छा, 3 नंबर में, 3 नंबर मैंने पीठ में ऐसे आया था रिपोर्ट, ये इमीडिएट अब जहाँ पर है इमीडिएट आइए, पीछे वाला पीछे में फायर हो गया जहाँ पर रेजिंग होता है, 3 नंबर का पीठ का पीछे में फायर हो गया। अच्छा, फायर हो गया, हम आया वहां पर, वहां से आया, आके देखा ये पूरा फैन ड्रिप का तरफ पूरा धुआं, काला धुआं उड़ रहा है, काला धुआं चल रहा है देख रहा। तो रेस्क्यू, हमारा रेस्क्यू सीतामपुर वाइंस रेस्क्यू स्टेशन का रेस्क्यू वैन आया। अच्छा, इमरजेंसी वैन आया, आके सब टीम तैयार किया। टीम तैयार करने के बाद हम लोग वहां पर रुक गया। अच्छा, बाद में क्या हुआ, बाद में हमारा सुना, हमारा गांव का दूठो लड़का फीचर था, दूठो लड़का किसी तरीके से धुआं से फाड़ के पाइप लाइन पकड़ के वो 3 नंबर डूबी का तरफ, लिफ्ट का तरफ आया, किसी तरीके से उठा वो लोग, वही लास्ट उठा दोनों आदमी, धुआं पकड़ के चढ़ाया। फायर तो हुआ इंटेक में, इंटेक में
इंटेक में जो फायर इंटेक में जो फायर हुआ तो जैसे फायर आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, फायर हुआ वहां पर ट्रांसफॉर्मर था, वहां पर ई था, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर का पीछा में माने पीठ पीठ बॉटम से दो पिलर दो तीन पिलर इसे आपको फायर तो हुआ, तो दो तीन पिलर नीचे से फायर तो हुआ, तो देखा ये दो तीन पिलर नीचे से फायर तो हुआ, हम पहले हम लोग उतरा, तब हम स्कूटी में आया था, सबसे पहले आप उतरे थे, सबसे पहले हम हमारा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, अजी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हुआ था, तो हम था अनाथ बंधु बनर्जी बोल के एक जन है वो भी था, तो तीन चार आदमी उतारा, उतारा इंटेक में उतारा, उतार के देखा पूरा गोल से घूम रहा है धुआं, दो पिलर गए, दो पिलर के बाद जाने नहीं सका, इतना धुआं था, वहां से केबल काट के कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया, स्विच कर दिया, केबल कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करा, हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में था उसी टाइम पर 94 में, लेकिन रेस्क्यू टीम था, तो हमारा रेस्क्यू गाड़ी रेस्क्यू किया आया नहीं, तो अब हम उन सब काट करके ऊपर में चलाया, तो हम हमको जो सीतारामपुर से गाड़ी आया वैन आया, तो आपको बोला कि आप रेस्क्यू में अंडर में चलाया, आप मैनेजमेंट के अंडर में नहीं है, आप रेस्क्यू का अंडर में चलाया, हमारा आप ब्रिगेड मेंबर है आप, तो आपको माने आपको और खतरा नहीं जाना, हम लोग जो बोलेगा वही करना होगा आपको, अच्छा ठीक है सर आप करिए। तो उस दिन जब रेस्क्यू के अंडर में आ गया, रेस्क्यू टीम आ गया, तो रेस्क्यू टीम पहला क्या काम किया था? रेस्क्यू टीम पहले काम किया है, पहले हम लोग इंस्ट्रक्टर मुखोपाध्याय साहब था, मुखोपाध्याय साहब एक टीम बनाया, टीम बना के बाद हम लोग पहले टीम हम लोग गया, उसी से हम था में आप थे, उसी टाइम में हम था, हम सेकंड मेंबर था। अच्छा, ये आग कितना टाइम लगा था आग बुझने में? आग बुझने में हमको स्टेप बाय स्टेप बोलने दीजिए तो आपको नहीं करे, तो हम उतारा, हम उतार के हम लोग देखा, हम लोग फेस एयर बेस में एक तो बात के ही किया है तीन नंबर में, फेस एयर बेस के साथ 23 नंबर डीप में आग लगा था, 23 नंबर वन, तो जाओ तो हम लोग गया, जाने के बाद फिर से बेस में हम लोग रेस्ट लिया, मशीन उशीन लेके गया सब तो हम लोग देखा ये इतना धुआं निकाल के हम लोग तो जाने नहीं सकेगा, क्या बात है, इसका रास्ता कौन है, क्या रास्ता है, तो अब अंसारी साहब आया, मैनेजर हम लोग को था, अंसारी साहब आया, अंसारी साहब आके बोला यहाँ पर आप क्लोज करिए, फुटाइए, वेंटिलेशन में स्टॉपिंग था तो फुटा दिया, फुटाने के बाद देखता है सामने में गया, देखता है डीप से मैंने राइट से 23 नंबर राइट से डीप तक पूरा धुआं, पूरा ही प्रेशर से हवा जा रहा है, धुआं जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या किया, हम लोग को डिसीजन लिया, इंस्ट्रक्टर भी डिसीजन लिया, और हम लोग को कैप्टन था जो कोई कुलहरी का हमको ही नहीं है, पोतुंडी साहब था हमारा कैप्टन, वो भी रेस्क्यू टीम था, पोतुंडी साहब कैप्टन था, वो बोला कि हमको चिंता अनुप चलिए तो यही से मैंने यही से जाने पड़ेगा हम लोग को, रेस्क्यू जो ऑर्डर देगा, सुपरिटेंडेंट जो ऑर्डर देगा वही करना होगा, तो गया भीतर में, गया भीतर में देख रहा है पूरा प्रेशर में हवा जा रहा है, मैंने धुआं जा रहा है, पूरा धुआं जा रहा है, ऊपर से धुआं जा रहा है नीचे, तो धुआं जा रहा है, हम लोग देखा सारा कुछ देखा ही नहीं मिलता, इनविजिबिलिटी नहीं है, तो क्या नहीं करेगा, तो हम लोग पूरा लाइट पावर वाला लाइट लेके दिखाया, देखा यहाँ पर एक लाश गिरा है, ऊपर में उन्हों का दो पिलर उड़ने से 5-6 भी बन जाता, लेकिन अगर आ जाता है तो दो पिलर आके आ जाता तो फिर बोटम में चला था, तो दो पिलर अभी आने नहीं सका, इतना धुआं था और इतना हीट था, धुआं का सब जितना फायर बढ़ा उतना हीट था, हीट और धुआं एक साथ में जा रहा, तो उसको लोग को हीट में सीओ पैदा हो गया, पूरा सीओ है, सीओ लोग बर्दाश्त करने नहीं सका, तो वहां पर गिर गया, छह आदमी गिर गया, देखा वहां पर एक आदमी रेल में है, वहां पर आदमी ये है, थोड़ा वहां पर आपको कोल्ड ब्लास्टिंग हुआ था, कोल्ड माने ब्लास्टिंग, ई ब्लास्टिंग हुआ था, तो आपको क्या बोल रहा है हमको भूल ही गया, उसी टाइम कोल्ड डस्ट ब्लास्टिंग हुआ, तो देखा गाड़ी उड़ी उलट गया, ये गया वो गया, वहां से आपको
हम लोग जो घुसा वहां से आपको 22 कम से कम 21-22 पिलर नीचे जाने होगा, वहां पर और 100 लाश मिलेगा। तो अब गया जाके देखा सो लाश गिरा हुआ है, यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा है, कोई कॉग में गिर गया, कॉग में झुला हुआ है। जाने के बाद देखता है पूरा लाश गिरा हुआ है एक जगह में, 26 आदमी गिरा हुआ है। कोई वहां पर जो सहारा था, पानी का पान था, सहारा था, सहारा में पानी भरती था, तो पानी में कोई बांध करके पानी में घुसा जो कम से कम हमारा धुआं आसियो नहीं लगेगा, बचेगा। लेकिन बचेगा कहे, बचने नहीं सका ना। तो हम लोग वहां से रिपोर्ट फिर लेके सुभानंद साहब को दिया। सुभानंद को देने के बाद कॉर्पोरेट लेवल में मीटिंग चल रहा है ऊपर में कैंटीन में, तो वहीं पर पूरा गया मीटिंग में गया। जाने के बाद आपको 5-6 बजे अंसारी साहब आया, हम लोग को जो मैनेजर था अंसारी साहब, अंसारी साहब आके बोला ये उनको लेगा, सुभानंद को बोला ये ठीक है ले जाइए, लेकिन जहाँ इधर उधर मत घुसाइए। लेके गया हमको, वो हम छोड़िए तुम दिया जो उन्हों बोलते बोलते जाता अंसारी साहब, उन्हों लास्ट में 23 का लास्ट में हमारा एक रास्ता है, वो पानी में भरती है रास्ता है, लेकिन नोडल लोग माइनिंग गवर्नमेंट सब हम वो रास्ता जानता है। हाँ, तो लेकिन चलिए वो रास्ता में हम लोग हकाएगा पूरा ही करेगा। तो हम लोग इतना पानी में चल गया, एक कमर पानी में चल गया, हमसे सभी गया वहां पर, पूरा लाइट दिया, ये दिया, पूरा ही किया है, हल्ला किया, कोई जिंदा है? हम लोग तो आपको इंटेक में है, आउट में तो नहीं है, इंटेक में है। तो पूरा हल्ला किया, ये क्या वो क्या, कोई सहारा नहीं मिला, कोई आवाज हमारा नहीं मिला। तो आंसर से बोला कोई आवाज तो नहीं मिलता है, हम क्या करेगा सर, कोई आवाज तो नहीं मिलता, ये तो रास्ता है, रास्ता तो पानी से इतना हो गया, तो क्या हुआ नहीं हुआ सर, ऐसे ऐसे हम 2 बजे देख के आया, ऐसे ऐसे बात है सर, और आदमी है क्या नहीं हम नहीं जानता। मुझे भीतर में, हाँ भीतर में गया सर, सेकंड बार में, फर्स्ट बार में यही तो गया, सेकंड बार में और आगे गया, तो ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हो गया सर। हाँ, नहीं आवाज नहीं मिलता है, क्या हुआ नहीं, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते भीतर में क्या हुआ। आग लगने के कितना देर बाद शब्द नीचे से ऊपर आए थे? कंटिन्यू चल रहा, आग लगने के बाद तो कोई आने का कोई नहीं है। दूसरा टीम 1000 टीम आया, तो रेस्क्यू आया, ECL आया, BCCL आया, WCL आया, CCL आया, पूरा रेस्क्यू टीम पूरा उठाया, कुछ आदमी का लाश मिला भी नहीं, कितना फिर भी आदमी का लाश नहीं, 6 आदमी का लाश ऊपर आया ही नहीं कभी। तो इनका बाद में नौकरी भी हुआ इनका परिवार का, कैसे हुआ? तभी तुरंत हो गया ना, नौकरी हुआ तुरंत, नौकरी हो गया। और जो हमारा कोल मिनिस्टर था, कोल मिनिस्टर भी आया था, अजीत पांडा आया था, स्टेट कोल मिनिस्टर था, मिनिस्टर अजीत पांडा आया था। वो लोग को, वो फैमिली लोग को, जितना लड़का बच्चा है वो पुरुजा मिशन में वो लोग व्यवस्था कर दिया, तुरंत नौकरी दे दिया, और उसको वो स्पेशल 50,000 ही मांगू, 50,000 रुपया करके वो स्पेशल सबको दिया, जो मिलेगा कंपनी से जो मिलेगा वो मिनिस्टर से स्पेशल 50,000 रुपया करके दिया। अच्छा, आज भी अगर आपको वो दिन याद आता है तो आपको कैसा? बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। यहाँ पे अगर मैं कैमरा, हमारा यहाँ पे 55 आदमी का नाम लिखा हुआ है, इसमें से कितने आदमी को आप पर्सनली जानते हैं? हमारा 2-4 को दोस्त था, जैसे सुबीर कुमार दे, वहाँ पर फिटर हेल्पर में था। अच्छा, ये जैसे रामू साहू, चतुरी गौरी, सुभाष पंत, में तो सुभाष पंत हमारा दोस्त था, लड़का के साथ मैंने इंटरव्यू किया है, वो भी बता रहे थे कि तो वो 2 साल के थे, बड़े छोटे थे, उनका माँ को, उसको माँ को दिया था, बाद में माँ का नौकरी, माँ को बाद में लड़का को नौकरी मिला। तो इनमें से अगर किसी को, मतलब ऐसा है कि किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपका दोस्त? मिस सुभाष को मिस करते हैं, सुबीर दे को मिस करते हैं, और है, मैं ख्याल भाई नहीं है, और है जैसे अब उमित बाउरी, उमित बाउरी वही का तीन नंबर में रहता था, दोनों लड़का पूरे रामकृष्ण मिशन में ECL भर्ती कर दिया था। आखिर के संत तक बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहेंगे कि आपका तबीयत ठीक रहे और अच्छे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हम लोग मिल रहे हैं नरेश यादव जी से, जो उस टाइम जब न्यू कन्नड़ में आग लगा था तब वो वहाँ पे काम करते थे। आपका डेजिग्नेशन क्या था? एम्बुलेंस ड्राइवर। आप एम्बुलेंस चलाते थे तब? ये कहानी जिस दिन घटा, ये दुर्घटना जिस दिन घटा, उस दिन आप थे वहाँ पे प्रेजेंट? प्रेजेंट से क्या हुआ था थोड़ा बताइए। हुआ क्या,
हमारे तो तीन बजे खदान में थे, खदान पे तो हम थे नहीं। अच्छा। हम तो हमारा सर्फे की ड्यूटी था। हाँ। लेकिन कुछ आदमी जो है हमारे उठ पाए, वही हल्ला किए कि वहाँ खदान में आग लगी। आग लगी। खदान में आग लग गया, जो सेक्शन में, जहाँ सेक्शन में आग लगा था वो सेक्शन से आदमी नहीं निकल पाए, लेकिन जो सरफेस लाइन में थे वो कुछ उठ के आए और ऊपर में हल्ला किए कि हमारे खदान में आग लग गया। यार इतना विषाक्त की आग लगा, जो और भीतर में रह गए वो सेक्शन में थे, जो काम कर रहे थे जहाँ से, वहां से वो निकल रहे हैं। जो मान लो ड्राइविंग लाइन में था, या तो घंटा में था, या कुछ और आदमी कहीं यहाँ सब जगह ड्यूटी रहता है ना, वो कुछ आदमी निकल गया। लेकिन जो ऑलरेडी सेक्शन में थे, जो काम कर रहे थे, लोडर का काम कर रहे थे, लोडर का जो काम कर रहे थे, वो निकल नहीं पाए, निकल नहीं पाए। और एक दो माइनिंग भी थे, मुंशी भी थे, जो कि खदान को लास्ट तक देख के जाते हैं, वो रिपोर्ट लेके जाते हैं, वो लोग भी नहीं निकल पाए, वही लोग हो जाए। लेकिन जो ट्रामर था, जो घंटा मेन था, जो खदान तो मान लिया वहां लगा है, तो बहुत आदमी इधर भी थे, कुछ आदमी निकल पाए और बाकी नहीं निकल पाए। नहीं निकल पाए, उसमें से 55 आदमी हमारे खदान में। खदान में ही। तो आप तो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, तो क्या कोई भी लाश जब उठ के आया तो क्या? तो हम लोग कल्ला ले जाते रहे, कल्ला लेके गए। तो कैसे हालत में थे वो? वो तो सब जले हुए थे ना, जल गए थे, चेहरा भी नजर में नहीं आ रहा था किसी का, चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पहचान में नहीं आ रहे थे हम लोग। वैसे आप एक तो आपको प्रचारिक रूप में ले गए कि पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है उसके लिए हम लोग को करीबन, हम ही नहीं, हमारे यहाँ 15-20 एम्बुलेंस, 15-20 एम्बुलेंस उस टाइम मंगाया गया तो बाहर से, बाहर से भी मंगाया गया और कोलेरी से एम्बुलेंस मंगाया गया। अच्छा। तो उस समय हम लोग खाली औपचारिक रूप के लिए, हम जान डेड बॉडी सब नहीं हो गया, सब डेड बॉडी एक दिन में थोड़ी निकला, नहीं निकला ना, मोटा मोटी 6-7 दिन लग गया बॉडी निकालने, बॉडी निकालने, और कुछ बॉडी तो निकल भी नहीं पाया। अच्छा। जैसे मान लिया 55 थे हम लोग, तो अटेंडेंस खाता के अनुसार से निकाला गया कि कौन आदमी निकला कौन नहीं निकला। हाजरी खाता जो था उसमें से हमको कुछ आदमी निकला और कुछ नहीं निकला, वो तो हाजरी खाता से मालूम हो गया था। कितना आदमी का मोटा नहीं निकला था? मोटा मोटी हमको लगता है 10-15 आदमी का सब नहीं निकल पाया था वहीं पे, उसी में इधर उधर हो जब गया। आग बुझाया गया, उसके बाद जब लाश निकाला गया, उसके बाद तो खदान को सील कर दिया गया, खदान तो सील कर, तब से खदान तो बंद है। नहीं, फिर कुछ दिन चालू हुआ था। अच्छा। लेकिन जिधर आग लगा था उधर नहीं हुआ था, फिर बाद में खदान 3-4 साल 5 साल और चला, और चला 3-4 साल 5 साल चलने के बाद, मैं 4-5 साल का बेसी दिन चला, चलने के बाद फिर बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उस टाइम का जो जो जितने भी मैनेजमेंट थे सब तो यहीं पे थे एकदम, पूरा ECL का कहा जाता है, क्योंकि तो बचपन में हम लोग दूरदर्शन देखते थे, दूरदर्शन में दिखाया गया था कि तब स्टेट पोल यूनियन मिनिस्टर जो थे अजीत पांजा साहब भी यहाँ आ गए थे, अजीत पांजा साहब भी आए थे, आप देखे थे उनको? अजीत पांजा भी आए थे, यहाँ का CMD बहुत तरह के, बहुत जगह CMD आए हुए थे, वो लोगों का भी रोल बहुत अच्छा रहा है, यहाँ बहुत कुछ दिए और बहुत कुछ काम किए यहाँ। ऐसा किसी आदमी को आप चिंते थे जो उस 55 आदमी से? सभी तो उस चिंते, सभी को चिंते, मोटा मोटे 2005 को ही नहीं, मुझे ना होगा, बाकी सभी को चिंते रहे। हमारे ये यहाँ गोरख अहिर थे, मुंशी में थे, अच्छा, वो सिर्फ में पीड़े मर गया, एक लगा देखिए वहाँ चेक वाला लड़का है, उसका फादर था, वो भी नौकरी कर रहा है उसी के बदले में, उसकी माँ की, उसके बाद की। अच्छा। बहुत मतलब 80% को ही मुक्त चिन्ह था, 80% को मुक्त चिन्ह था। तो किसी को आपको मतलब ऐसा कोई खास आदमी जिसको आप अभी भी याद करते हैं उस टाइम में? बात करने वाला तो सभी रोल ही था, उस समय उसका पोजीशन ही था कि अभी भी कभी ख्याल पड़ता है वो घटना को सुन के तो रू तो कांप ही जाता है, रू तो कांप जाता है। और हम लोग प्रत्येक साल मनाते भी हैं यहाँ पे उनका शरण में, शरण में देखिए यहाँ बना हुआ है, बेदी बना हुआ, बेदी बना हुआ है, और वहाँ बेदी बना हुआ, प्रत्येक साल इवनिंग की तरफ से मनाया जाता है। अच्छा। आप रिटायर्ड हो गए अभी? हम रिटायर हो गए। कब रिटायर्ड हुए? 2017 खट के 18 में रिटायर हुए, 2018 में आप रिटायर्ड हो गए। तो उस दिन को अगर याद कीजिएगा तो एक लाइन में क्या बोलिएगा? एक लाइन में क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि बहुत दुखद घटना था वो, ऐसा दुर्घटना कभी भाग्य में कभी और किसी कोलेरी में नहीं हो, और भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ घटना किया जाए, ये तो बहुत बड़ा ही दुर्घटना था जी। जो हम लोग को देख सुनने के बाद ही रूह कांप जाता है, देखने के बाद तो आप लोग वहां रहते तो और ही ये होता। एक तो यही कहने का है कि भगवान ना करे ऐसा कभी दुर्घटना किसी के साथ, सस्ता कोल इंडिया में हो या कहीं भी ना हो, यही तो है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। कोई वक्त समय तो ऐसे देते ही रहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग जो मिल रहे हैं जिनसे, इनके पिताजी जिस दिन का हादसा हुआ 25 जनवरी 1994 को, तब वो ड्यूटी में थे और उनका भी जान गया इस एक्सीडेंट में। मिलते हैं राजू पंताई से। राजू जी आपका परिचय। राजू पंत लोकंदा कोलिया जी। आपका पिताजी का क्या नाम था? सुभाष, लेट सुभाष पंथाई। वो निकंदा 2 नंबर पिट में जो हादसा हुआ था उसमें काम करते थे। हाँ। तो आप कितना साल के थे? 2 साल का। 2 साल के थे। उसके बाद नौकरी किसको मिला? नौकरी मम्मी 20 साल सर्विस थी। 20 साल मम्मी सर्विस की। हाँ। उसके बाद आपको फैमिली वगैरह में जब आया तब मैं नौकरी किया 2015 में। आपका पिताजी का कुछ भी तो आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप तो 2 साल के थे, लेकिन मम्मी क्या बताती है कि उस दिन क्या घटना घटा होगा? घटना तो उस समय मेरे में बहुत छोटा है, कुछ बताया होगा तो भूल गया होंगे, मगर इतना बोलते थे जब मेरा शरीर पूरा जल गया था, मेरे बाप का पेट का ऊपर में सोता था, मेरा मम्मी भी। अच्छा अच्छा। और ये उनका सब बाहर निकला था? सब निकला था 26 तारीख ना 27 तारीख को निकला था। यहाँ से पर्सनल गाड़ी दिया गया था उड़ीसा लेने के लिए। उड़ीसा लेके वहाँ अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के क्या बदला आपका पिताजी का देहांत के बाद आपका घर में क्या बदला, आसपास का माहौल क्या बदला होगा? वही जो 10-12 दिन तक रोना पीना और वही लफड़ा नौकरी के लिए ढूंढना का चचेरा लोग ऐसा ही है कि हम लोग करेंगे और नहीं करेंगे। मेरा चाचा को बहन में अकेले था, वो चलते मम्मी अपना लड़के तो बाप का घर छोड़ के आ गया मायके। अच्छा अच्छा। वहाँ से घर द्वार बनाया, नौकरी ज्वाइन किया, आराम से ड्यूटी किया, शादी भी सबको किया। अच्छा अच्छा। अभी भी सही सलामत भगवान दया से है। अच्छा अच्छा। मम्मी अभी भी जीवित? सही सलामत है। सही सलामत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इंटरव्यू देने के लिए। और जितने भी परिवार के 55 सदस्य जितने भी परिवार के जान गए हैं तो उनको तो हम लोग कुछ दे नहीं सकते आज का डेट में, लेकिन क्या आज 30 साल बाद अगर हम लोग को किसी तरह से उनको याद कर पाए, यही लगता है कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। यादगार हो रहा था जनवरी 25 इस बार हो रहा है, हर साल हो रहा है। 25 जनवरी 1994 को जब आग लगा, उसके बाद आग 3:30 बजे लगा, लेकिन 4 बजे का ड्यूटी था हमारे भवानी प्रसाद मुखर्जी का। भवानी दा से पूछते हैं कि भवानी दा क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था आपका? तो 4 बजे ड्यूटी था। मैं जब घर से निकला, घर से निकालते हुए जब रास्ता में जा रहा था तो बोला कि आपको जो ड्यूटी जा रहा है वो खदान में आग लग गया। अच्छा। तो हम लोग डोडाना से बोले, हाँ डोडाना सिम में आग लगा, तो वही, बहुत वही आप ड्यूटी करते थे उसी? हाँ हाँ, उसी पीट में हम ड्यूटी करते थे। उस समय हम एक्सक्लूसिव करियर में ड्यूटी करते थे, डेजिग्नेशन नहीं हुआ था लेकिन एक्सक्लूसिव करियर में मैं ड्यूटी करता था। अच्छा। तो जब जाके देखा उस जगह में गेट के चालक के सामने देखा पूरा भीड़ है, पूरा आदमी एकदम भरा हुआ है, एजेंट मैनेजर से लेके सबको, ऑफिसर लोग था कि ना खदान में आग लग गया। अच्छा। तो उस समय बोला है कि नहीं, यहाँ का जो पुराना एक्स मैनेजर था हमारा यहाँ का, एम ए अंसारी साहब, एम ए अंसारी साहब कोई दूसरा कोलेरी में एरिया में करते थे, तो उन्होंने आए वहाँ आके पूरा प्लान प्लान देखे। अच्छा। उसका बाद डिसीजन दिया फैन ठीक। एक चीज मैं सुना था कि वहाँ पे जो पीट बॉटम में काम करते थे कुछ आदमी उठ के आए थे और वही वही लोग खबर दिए कि आग लगा है। हाँ। जगह में रोड पे उस समय नहीं था, नहीं था। हाँ, हाँ। इसीलिए आदमी उठ के बोला, उसके बाद पता चला। हाँ। सबको तब तक एजेंट मैनेजर पहुंच चुके थे, सब पहुंच चुके, पूरा भीड़ मोहल्ला एकदम, पूरा गांव का आदमी, क्वार्टर का आदमी, ईस्ट कन्ना का आदमी, सब आदमी उस चाणक का सामने भीड़ जमा हुआ था। पूरा कन्ना का रोल था, रो रहा था सब, जो आदमी है वो लोग उठ के नहीं आए, फैमिली मेंबर लोग भी आया था। तो उस समय हम उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अंसारी साहब को हम पहचानते थे। अंसारी साहब आया, वो सब कुछ देखा, उसका बाद वो डिसीजन दिया कि कहाँ रास्ता है, उसको रेस्क्यू टीम भी उस आ गया था, तो रेस्क्यू टीम कहाँ से जाएगा, उस प्रोसीडियर कहाँ है, हम लोग खोज के मिले, तो खदान उतार गया। तो हमको देखा, तो हमको बोला मुखर्जी जाना है, वहां से जाना है। अच्छा। तो हम लोग सब उस समय खदान उतार गए थे। पहुंचने के बाद आप जब पहुंचे वहां पे, पहुंचने के बाद एम ए अंसारी साहब से मिले, एम ए अंसारी साहब पुराना जानते थे कि कहाँ से जाना आना है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग खदान उतार गए। खदान उतरने के बाद हम लोग अंसारी साहब को साथ गए, कहाँ रास्ता अप्रोच है, कि कोई आदमी मिलता है कि नहीं मिलता है उस जगह से। तो नहीं मिला तो खदान में वहाँ उस समय रेस्क्यू टीम भी, हम लोग जब उस रास्ता से आ गए तो पीट बॉटम में देखा रेस्क्यू टीम पहुंचा हुआ था। अच्छा। तो रेस्क्यू टीम को अंसारी साहब बोला होगा जो रास्ता किधर है जाना है, तो हम उस समय उठ के आ गए थे ऊपर। आगे ऊपर आके देखा पूरा चारों तरफ एकदम फोर्स में घिरा हुआ है आदमी को, इलाका सील हो चुका था, पूरा फोर्स था, CISF, बाकी स्टेट
गवर्नमेंट का भी पुलिस से ऊपर तक धुआं आ रहा था क्या, मतलब धुआं या धुआं वो तीन नंबर में आ रहा था, तीन नंबर से ये आपको दो नंबर है वो इंटेक था और तीन नंबर आपको रिटर्न था, रिटर्न से धुआं उड़ रहा था, इंटेक से हवा के चलते ये आग भी फैल गया इतना, तो इंटेक का इंटेक है, इंटेक तो हवा जाने से तो आग जहाँ जीरो वेस्ट लेवल में ये आग लगा था हाँ वहाँ आप गए हैं ड्यूटी के दौरान, मतलब उधर से तो कभी भी मतलब उस दिन से पहले भी आप ड्यूटी किए होंगे तो कभी लगा था कि यहाँ आगे कोई हीटिंग या नहीं, कोई गैस इतना मेल? इतना इंटेक यार था, ठंडा हवा था उस समय, कोई किसी को महसूस नहीं होता वहाँ हीटिंग है कि नहीं है, नहीं नहीं पता नहीं, चला नहीं, था मतलब इससे पहले अगर पता चलता तो शायद प्रिकॉशन लिया जाता, मैनेजमेंट लेता उसका प्रिकॉशन लेता, लेकिन उस समय हम लोग अपना जो फैमिली रोड से आना जाना करते थे, ऊपर उठ के आया उसके बाद मतलब नीचे जाके देखे पूरा धुआं धुआं है, फिर जो आया फिर रेस्क्यू गया, रेस्क्यू के साथ आपने किया? नहीं नहीं हम उस समय रेस्क्यू टेंट नहीं थे, अच्छा हम 95 का बाद रेस्क्यू टेंट हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो ऑफिस था सुने हैं कि वहाँ पे तो जितने भी उस समय हम उठ के देखे चारों तरफ तो पुलिस था, तो पुलिस सीआईएसएफ साहब था मेरा, उसके बाद देखा मैनेजर ऑफिस में पूरा भरा हुआ है, डीजीएमएस का ऑफिसर, हेडक्वार्टर का जितना ऑफिसर है भरा हुआ है, जीएम एजेंट ऑफिस ये ऑफिस दोनों रात में पूरा भरा हुआ था, सब ट्रेड यूनियन भी आ गया था चारों तरफ से, लीडर सब सब आ गया था, मतलब जितना मैंने क्या बोले उस समय लगता है कि इस जगह पूरा रौनक तो हुआ है निकोना कोलेरी में रात में भी इतना ऑफिसर आ गया था, डीजीएमएस का सब ऑफिसर आ गया था, हेडक्वार्टर का सब ऑफिसर आ गया था, सीएमडी साहब तो आए थे सब, मैंने उस समय उतना तो ये नहीं था, 94 का बात है, अभी है 2024 30 साल हो जा रहा है, उस समय का उतना याद नहीं, जितना याद है हम आपको बोल रहे हैं। अच्छा अवनिंद, उसके बाद क्या हुआ, मतलब आप तो आए, रेस्क्यू आया, सब आया, जितना भी ऑफिसर आना था आए, उसके बाद आप क्या कर रहे थे? उसके बाद हम थे, हमको बोला है आपको काम दिया जाएगा तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में आइए, सेफ्टी बहुत सा सैंपल होने वाला है, तो हम नजदीक था, गांव का था, तो इसीलिए हमको जब भी बुलाता था हम सेफ्टी डिपार्टमेंट में आके कोई बाहर का ऑफिसर जैसे कि सीएमपीडीआई का ऑफिसर लोग सैंपल लेते थे, आईएसएम को कोई आता था, आईएसएम सीएमआरआई, उस समय सिम्प्रा नहीं था सीएमआरआई था, सीएमआरआई सीएफआरआई जितना सैंपल होते था, एयर मेजरमेंट होता था, हम लोग जाके, हम लोग शिफ्ट भाग था, तीनों शिफ्ट में सेफ्टी डिपार्टमेंट का आदमी सैंपल लेते थे, वो सैंपल आपको एक्सीडेंट होने के कितना दिन लिक्विड नाइट्रोजन डाला गया उस समय मालूम नहीं है कितना दिन में हुआ, जल्दी हो गया, एकदम बोरिंग करके डाला था, मोटामोटी बहुत सा जगह में डाला, सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन डाला था कि और भी कुछ किए थे हमको? नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा डाला है, लिक्विड नाइट्रोजन इसीलिए डाला कि वो टेम्परेचर को घटाने के लिए, टेम्परेचर घटेगा आग बुतेगा, इसीलिए लिक्विड नाइट्रोजन मतलब -125 डिग्री टेम्परेचर, 120 डिग्री 120 डिग्री की टेम्परेचर में वो लिक्विड नाइट्रोजन डायरेक्ट जा रहा था खदान में। अच्छा अच्छा, तो इसका मत वो देखिए ठंडा और गर्म में मिक्सिंग होने से तो वो फटेगा, तो चाल रूप फल कुछ कुछ जाएगा हुआ, लेकिन आग थोड़ा सा डाउन हुआ लिक्विड नाइट्रोजन में। इसके बाद माइंस को बंद कर दिया गया, जितने भी सब थे निकालने के बाद माइंस बंद किया गया, माइंस कुछ दिन बंद किया गया, उसका बाद जब माइंस एकदम सील नहीं हुआ था, नीचे से सील हुआ था, है ऊपर में सील नहीं हुआ था, नीचे से सील हुआ था, कुनस्तरिया जैसे ऊपर में था लेकिन यहाँ नीचे से सील हुआ था, स्टॉपिंग बना के गया, उसका बाद फ्रांस से भी मैरिफ्लेक्स जो है वो एयर वेंटिलेशन के काम में या फॉर्म जो है वो फॉर्म दोनों लिक्विड बना के उसको फॉर्म में बनाया था, उस फॉर्म का आपको वेंटिलेशन स्टॉपिंग बना था एयर लॉक करने के लिए अंडरग्राउंड में। तो आज भी अगर आपको वो दिन याद आता है तो हमको बहुत खराब लगता है, मन में खूब ये होता है कि चला उस घटना, और जब रेस्क्यू टेन उतारता था ना तो हमको मन में एक तो ये हुआ था कि हम यदि उस समय रेस्क्यू टेन होते तो हम भी कुछ उद्धार कार्य में ये बॉडी लाने में वो स्टॉपिंग बनाने में काम आता, तो उस समय हम माइंड में लिया था कि हमको रेस्क्यू टेन बनना है। फिर आप रेस्क्यू टेन बने? हम 95 जून में हम रेस्क्यू टेन बने, रेस्क्यू टेन बनने का बाद वो जो रीओपनिंग हुआ, रीओपनिंग में हम काम में काम किए उस समय, मतलब एज ए माइनर रेस्क्यू टेन, एज ए रेस्क्यू टेन हिसाब से 95 से हम वो निकोना में काम किया, हमको बहुत अच्छा लगा, मैंने कि देश के लिए नेशनल कबड्डी। फिर वहां से ट्रांसफर हो गया क्या?
वहां से हम 98 में माइनिंग सदर किया और नवंबर दिसंबर में हम बहुला कोलेरी हम केंद्रा कोलेरी में ज्वाइन किए हैं, बॉर्न एंड बॉट केंद्रा में है और कोलेरी में भी हम 11 जून में 1990 में ज्वाइन किया था। मतलब आप इस ये घटना से चार साल पहले वहाँ चार साल पहले ज्वाइन किए, तब अब मैं यंग थे, यंग थे उस समय 18 साल उम्र था, तलानी करते थे उस समय, ह्यूज प्रोडक्शन है, एक एक शिफ्ट में 150 गाड़ी 200 गाड़ी प्रोडक्शन होता था, तीन चार तो डिस्ट्रिक्ट चलता था। तो अब एक चीज में आपसे ही पूछूंगा क्योंकि आप माइंस रेस्क्यू भी रेस्क्यू ट्रेन भी है, ऊपर से अब सीनियर ओवरमैन भी है, माइंस में जितने भी आदमी काम करते हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे, मतलब वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं कोई भी दुर्घटना। देखिए इसीलिए कोई भी घटना अपना सेफ्टी अपना मेरा जिम्मेवारी है, हम माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, माइनिंग सरदार करेगा ओवरमैन करेगा ही नहीं, सेफ्टी मेरा जिम्मेवारी है। हम कोई जाएगा देखा कि कोई धुआं उठ रहा है, कोई जाएगा में गन मिल रहा है तो उसको तुरंत उसको खबर देना चाहिए, उसका सुपीरियर बॉस जो है माइनिंग सदर ओवर उसको खबर देना चाहिए। कई जगह चाल ढीला है तो हम उस जगह में नहीं जाके उसके पहले हम अपने टेक फाइव का पहले अपने कोशिश करेंगे कि हम हमारा द्वारा कितना होता है, नहीं होता है तो हम उसके बाद हम ऊपर वाला को खबर देंगे सर इस जगह में ही है इसको घटना घटना घट जाने के बाद ही सब ये होता है, लेकिन पहले यदि हम लोग कोशिश रहे सेफ्टी के बारे में जी तो हो सकता है कि ये दुर्घटना उतना नहीं हो क्योंकि हम लोग नेचर का एगेंस्ट में काम करते हैं एकदम है, हम लोग जो कॉल नीचे से ही करते हैं नेचर का एगेंस्ट में काम करते हैं तो दुर्घटना हो भी सकता है, लेकिन बात है कि हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि दुर्घटना ना हो जी, तो इसके लिए हम लोग यही है। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी दा आपको इतना टाइम देने के लिए। ओके थैंक रेखे गेले चोले शेदिन भरा साझे जेते जेते दुवारो होते कि भेबे फिराले मुखो खानी कि कथा ছিল যে মনে 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 কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে তুমি সে কি হেসে গেলে আঁখি কোণে আমি বসে বসে নিকম্পিত হৃদয়খানি তুমি আছো দূর ভুবনে মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে সেদিন ভরা সাঁঝে যেতে যেতে দুয়ারো হতে কি ভেবে ফিরালে মুখখানি।